बने बने ढूंढे ना जाऊं जाऊं। हाँ बने बने समझ रहे है बढ़िया। अगर यहाँ पे पूरा नाइन गा देंगे तो ये होगा बने बने ढूंढ ने जाऊं, बने बने ढूंढ ने जाऊं, बने बने ढूंढ रखी कहूँ छिप गए कृष्णा मुरारी, बने बने ढूंढ ने जाऊं। समझ में आया? शायद समझ पर इसमें ना कसरे गलगा मम्मा अब जी मचे डाल सकते हो, दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं ना दादी? सही कह रहे हैं, मिर्जा वाली साड़ी बहुत अच्छा बना रही हूँ। कैसे बनाए पर लेकिन अलग काम तो रहता है, लड़ आएंगे। हाँ अब बने बने ढूंढ लेना, अभी आप याद मत करिएगा। जब आप ये पूरा सीख लेंगे, जब आप ये पूरा गाना सीख लोगे ना तभी ना, अगर आपके शब्दों को दिखोगे जैसे मुरारे का मुसाशे कह रहे हो तो उसमें आपको बुक दे देंगे, आपको वही लर्न करना पड़ेगा। समझ में आया? और उस वर्ड्स को आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो कभी आप सफल हो पाओगे। इस वर्ड में भी एक चीज है, ऐसे कि कोई आप काम करते हो और देखिए हमको लग रहा है ना कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। बात तो सही है, शक्ल देख के ही लगता है पढ़ने में मन नहीं लगता, और हर वक्त डांट चाहिए आने से कुछ नहीं होने वाला। बैटमैन को देखना है। ऐसे कोई समझ में आया? हर वक्त मुस्कुराने से कुछ नहीं होने वाला। आजकल बहुत सारे मुस्कुराने से भी बहुत गड़बड़ हो जा रही है। समझ में आया? इतनी क्लास थी और सबकी पेंसिल बॉक्स यही रहेगी। समझ में आया? कोई मुझे थैंक यू बोलेगा? अब आपने अपने अपने अध्यापक को हमेशा अध्यापक और अध्यापिका को हर समय थैंक यू बोलना चाहिए, जब क्लास ओवर हो रही हो या फिर वो कुछ सिखा रहे थे, और जब छुट्टी हो रही थी आपको अपने अध्यापक और अध्यापिका को एक बार शुक्रिया या थैंक यू कहना चाहिए। समझ में आया? थैंक यू सर। थैंक्स। वेलकम।